अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप शायद नहीं जानते होंगे, इस दुनिया में तकरीबन 20,000 किस्म की मक्खियों का बसेरा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मक्खियाँ किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि इस दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इन मक्खियों की किस्म में से एक शहद की मक्खी है, जो तकरीबन दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। एंटार्कटिका एक बड़े आज़म है, जहां 20,000 किस्म की मक्खी में से किसी किस्म की मक्खी नहीं पाई जाती। दोस्तों, मक्खी गर्म आबो हवा में परवरिश पाती है और ये उन मकामात पर ज़्यादा पाई जाती है जहां की आबो हवा गर्म, सरसब्ज़ा और फूलों के प्लांट्स मौजूद हों, क्योंकि मक्खी की खुराक में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि एंटार्कटिका में मक्खी क्यों नहीं पाई जाती। तो पहले मैं आपको एंटार्कटिका के बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों, एंटार्कटिका दुनिया का एक इंतहाई और पुरकशिश बड़े आज़म है, जो पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। ये बड़े आज़म दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्द तरीन बड़े आज़म भी है और ये दुनिया का खुश्क तरीन मकाम है। तो दोस्तों, ये वजूहात थीं जिनकी बिना पर यहाँ मक्खी ना तो प्रवेश पा सकती है और ना तो रह सकती है, क्योंकि मक्खी गर्म आबो हवा में रहना पसंद करती है। लेकिन एंटार्कटिका का टम्परेचर -76 डिग्री तक रहता है, इसलिए वहाँ पर कोई फूल नहीं उग सकता जो कि मक्खी की खुराक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नई मालूमात मिली होगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।